हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड गैस इन लिक्विड में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं सॉल्युबिलिटी क्या है। देखिए, ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है आपका, हमने जानकारी के आपको बता दें कि एक वीडियो और हम दे चुके हैं आपको इससे पहले सॉल्यूशन की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। तो ये दूसरा वीडियो है सॉल्यूशन चैप्टर पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं सॉल्युबिलिटी क्या है। देखिए, सॉल्युबिलिटी जो होती है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट डिजॉल्व। सॉलिड का मतलब है सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, दैट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म सेचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सेचुरेटेड सोल्यूशन, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन, इनकी भी चर्चा हम करेंगे अभी बाद में। बट अभी पहले केवल हम ये जान लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना भी हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करते हैं, इतना अमाउंट ऐड करते हैं कि सेचुरेटेड सोल्यूशन हमारा बन जाए, यानी कि अब और सॉल्यूट पार्टिकल्स उसमें डिजॉल्व ना किया जा सके। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका अमाउंट ऑफ सॉलिड होता है या फिर सॉल्यूट होता है उसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जिस और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो सॉल्युबिलिटी है वो हमेशा सॉल्यूट पार्टिकल्स की होती है, क्योंकि वो आपका क्या होता है, डिजॉल्व होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि जो सॉल्युबिलिटी है उसके लिए फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो उसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो फैक्टर है आपका वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये आपकी इतनी क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि, या कह सकते हैं कि फैक्टर्स हैं जो आपकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर जितने भी आपके टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में जो इनके फैक्टर्स अफेक्टिंग हैं, जो इनको चेंज कर सकते हैं, उनके बारे में हम अभी इसी वीडियो में थोड़ा आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है टर्म, इसके बेसिस पर तीन आपके होते हैं सॉल्यूशन, एक आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन आपका वो सोल्यूशन है, मतलब एक ऐसी कंडीशन है कि सोल्यूशन में जब और ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल या सॉल्यूट का अमाउंट ऐड ना किया जा सकता हो, यानी कि जब ऐड करते हो तो वो डिजॉल्व होना बंद हो जाता हो या डिजॉल्व नहीं होता हो, तो उस कंडीशन पे जो सोल्यूशन होता है उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसको इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं, अ सोल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच डिजॉल्व कम्प्लीटली, यानी कि जो कम्प्लीटली डिजॉल्व भी हो जाए इन अ गिवन सॉल्वेंट, यानी कि पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एट अ गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इज नोन एज। यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि ये जो आपका एट गिवन टेम्परेचर है इसके आगे यहाँ पे ये होना चाहिए, टू फॉर्म सेचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज, इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो, एक मिनट, सही है, पहले वाला ही सही था, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ही हम डिफाइन कर रहे थे, तो आई थिंक ये सही था जो भी था आपका। एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो देखिए, सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी एक आ सकता है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन पर जो आपका है अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है वो क्या होता है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो आपका सैचुरेशन की कंडीशन में आता है। आगे बढ़ते हैं, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। देखिए, जो सेचुरेशन की कंडीशन होती है, जो अभी हमने प्रीवियसली आपको ये डिस्कस किया है सेचुरेटेड सोल्यूशन में, जो सेचुरेशन की कंडीशन होती है उससे पहले कंडीशंस पे जितना भी सोल्यूशन है, ठीक है, उसके पहले वाली जो कंडीशन है उस पे जो भी आपका सोल्यूशन है उसे हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। ध्यान रखिएगा, अ सोल्यूशन विच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन द रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि जो सैचुरेटेड सोल्यूशन के को बनाने के लिए जो आपका सॉल्यूट है, अमाउंट है सॉल्यूट का, वो कम होता है उससे, तो आपका वो जो सोल्यूशन है उसे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। देखिए, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन तब तक रहेगा जब तक सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बन जाता, यानी कि उसके पहले की कंडीशंस पे जितना भी सोल्यूशन है, जहाँ 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 भी है, जितना भी अमाउंट है,
उस कंडीशन में जो भी आपका सोल्यूशन है उसे हम बोलेंगे अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। तो देखिए सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड में कोई एक ही आप एक ही आप लर्न रखें, दूसरा अपने आप आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जो सेचुरेटेड सोल्यूशन जब बन जाता है तो उसका जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और भी उसमें डिजॉल्व हो जाता है। बट एक कंडीशन ऐसी होती है कि टेम्परेचर आप कितना भी बढ़ा लें, उसमें आप कुछ भी कर लें, प्रेशर बढ़ा लें, बट वो जो आपका सॉल्यूट है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो और ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन पे जो सॉल्यूशन है उसको हम बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि सुपर सेचुरेटेड में कोई भी चीज़ आप प्रेशर टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो और ज़्यादा आप उसमें डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो सेचुरेशन की कंडीशन है उसके बाद में जो आता है वो सुपर सेचुरेशन की कंडीशन आता है, और उस स्टेज पे जो भी आपका सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसा कि हमने बताया था कि जो आपका सेचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक्सिस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिखा भी है, अ सॉल्यूशन विच कंटेन एक्सिस ऑफ सॉल्यूट देन द रिक्वायर्ड द फॉर्मेशन ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सेचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए जितना हमें रिक्वायर्ड होता है उससे भी ज़्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपका है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यानी कि जो सॉलिड्स हैं उनकी जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो क्या है, उसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं। तो देखिए कुछ चीज़ें आप बेसिक्स हैं इसमें वो जान लीजिए। पहले जब सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है और जो सॉल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ जाती है। तो जो ये प्रोसेस है आपका, जब सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिजॉल्यूशन। यहाँ पे लिखा है, ठीक है, डिजॉल्यूशन। डिजॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स का सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाना। और एक और दूसरी कंडीशन होती है जो कि बिल्कुल इसके रिवर्स होती है, उसमें होता क्या है, कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉल्यूट पार्टिकल्स से कोलाइड होते हैं, टकराते हैं और वो प्रेसिपिटाइड हो जाते हैं। प्रेसिपिटाइड का मतलब होता है कि वो सेटल्ड हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। सम पार्टिकल्स कोलाइड विद द सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि जो सॉल्यूशन में पार्टिकल्स होते हैं जब वो कोलाइड करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। लॉस हो जाती है तो वो सेटल्ड होने लगते हैं, यानी कि प्रेसिपिटाइड होने लगते हैं। इस कंडीशन पे जो आपका ये जो आपकी प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो जो आपका डिजॉल्यूशन है और जो आपका क्रिस्टलाइजेशन है ये दोनों एक दूसरे से क्या है, रिवर्स हैं। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। एक वर्ड इक्वेशन से यहाँ पे एक हमने वर्ड एक्सप्रेशन लिखी हुई है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। आइए देखते हैं। देखिए जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो आपका जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं, डिजॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर भी हमने बताया था तो यहाँ पर चाहें तो ऊपर आप लिख सकते हैं डिजॉल्यूशन, ठीक है। एरो का जो डायरेक्शन है वो भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये एरो का डायरेक्शन है इस तरफ, जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगी तो उसको बोलेंगे डिजॉल्यूशन और जब बैकवर्ड रिएक्शन होगी तो उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। बहुत ही सिंप्लीफाइड है आपका, अगर ये आपको याद है। क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका जो अभी डिजॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन बता रहे हैं, इसमें से जो डिजॉल्यूशन है ये अभी बहुत ज़्यादा हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका है डिजॉल्यूशन टर्म, ये टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो आपका टेम्परेचर है वो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, उस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये जो डिटेल है इसको नोट कर लीजिए और इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही माइक्रो डिटेल्स हैं जो कि मल्टीपल चॉइसेस के लिए इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, इसकी हम अभी चर्चा करने वाले थे। तो देखिए जो फैक्टर्स हैं उसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहला तो ये है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का नेचर है उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा आपका है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड तीसरा आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो देखिए यहाँ पर प्रेशर का इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सॉल्युबिलिटी हम किसकी पढ़ रहे हैं, सॉलिड्स की लिक्विड में, और सॉलिड्स पे टेम्परेचर का इफेक्ट इसलिए नहीं, प्रेशर का इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि वो आपके क्या होते हैं, हाईली रिजिड होते हैं, बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं उसके एटम्स, उसकी जो पैकिंग होती है बहुत ही टाइटली ऑक्यूपाइड होते हैं, जो भी आपके पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं। तो इसलिए जो सॉलिड्स का लिक्विड में डिजॉल्यूशन है उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट अगर गैस
एंड लिक्विड की हम बात करें तो फिर ज़रूर उस पर प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा, तो वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर हम वो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, चेंज कर सकते हैं, किसकी सॉल्युबिलिटी को, सॉलिड्स की लिक्विड में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला जो आपका फैक्टर है वो ये है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हैं वो किस नेचर के हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है वो तभी डिजॉल्व होगा जब उसमें सेम टाइप ऑफ इंटरैक्शंस होंगे। इंटरमॉलिकुलर इंटरैक्शंस अगर आपके सेम टाइप के हैं तभी वो एक दूसरे को डिजॉल्व करेंगे, यानी कि एक दूसरे में मिक्सअप होंगे। तो यहाँ पर जो पहला आपका पॉइंट है वो यही है, मेन पॉइंट, कि इंटरमॉलिकुलर इंटरैक्शंस जो हैं वो आपकी सिमिलर होनी चाहिए दोनों में। सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट की जो इंटरैक्शंस हैं वो आपकी सेम हैं। दूसरा हो सकता है, जैसे एग्जांपल अगर हम लें, पोलर सॉल्वेंट होते हैं कुछ आपके, सॉरी पोलर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ नॉन पोलर होते हैं, कुछ आयनिक भी होते हैं। आयनिक या पोलर दोनों लगभग एक जैसे हैं। आयनिक में क्या है, वो प्योर आयनिक हैं। पोलर में क्या है, थोड़ा आयनिक करेक्टर है, थोड़ा कोवेलेंट करेक्टर है। तो होता क्या है, जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो केवल पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं पोलर डिजॉल्व्स पोलर। ठीक है, और जो नॉन पोलर होगा, जैसे आपका बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इनको अगर आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये नॉन पोलर हैं, वाटर आपका पोलर है, तो जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर को डिजॉल्व करेगा। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो पोलर डिजॉल्व्स पोलर, यानी पोलर सब्सटेंसेस डिजॉल्व्स पोलर सब्सटेंसेस, नॉन पोलर सब्सटेंसेस डिजॉल्व्स नॉन पोलर सब्सटेंसेस, यानी कि जो जो लाइक है वही लाइक्स को डिजॉल्व करेगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट भी आता है बनके, इसको हम कह सकते हैं, ये जो आपका इतना पॉइंट है इसको हम लिख सकते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये एक रूल है आपका। ठीक है, तो ये जो आपका डिजोल्यूशन है ये इसके तहत आपका काम करता है, इसके अकॉर्डिंग काम करता है, यानी कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब हुआ पोलर डिजॉल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व्स नॉन पोलर। ठीक है, अगर आप पोलर को नॉन पोलर में डिजॉल्व करेंगे नहीं होगा, नॉन पोलर को पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे नहीं होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंशन किए हैं, देखिए एंथ्रासीन जो है आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन पोलर होता है, ये आपका वाटर में डिजॉल्व नहीं है। क्यों, क्योंकि वाटर आपका पोलर होता है। तो यहाँ देखिए पोलर सॉल्वेंट ने नॉन पोलर को एंट्री नहीं दी, यानी कि वो डिजॉल्व नहीं हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जो है वो पोलर होता है, सभी को पता है, ये डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। क्यों, क्योंकि वाटर भी पोलर है। तो यहाँ देखिए पोलर डिजॉल्व पोलर। तो जो आपका कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में वो क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक, ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल है। दूसरा आपका फैक्टर है टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो केवल अभी जो हम प्रीवियसली आपको डिस्कस कर चुके हैं डिजोल्यूशन, जिसमें हमने ये भी आपको डिस्कस किया था कि अभी इसको आगे हम फर्दर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो उसका टाइम आ गया है। अब यहाँ पर क्या है, जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो कुछ इस तरह से है, वो डिपेंड करता है कि जो डिजोल्यूशन है, जो आपका सॉल्यूट है जब सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जा रहा है, तो उस समय कौन सा थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस हो रहा है, कौन सा थर्मोडाइनेमिक डिजोल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो डिजोल्यूशन है आपके वो दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो एक्सोथर्मिक होंगे या एंडोथर्मिक होंगे। तो अगर आपका डिजोल्यूशन एंडोथर्मिक है, यानी कि ऐसा डिजोल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट को जब ऐड कर रहे हैं तो उसमें हमें टेम्परेचर देना पड़ रहा है। ठीक है, अगर टेम्परेचर उसमें रिक्वायर्ड है, उसमें लग रहा है टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है, वो आपका एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो रहा है उसमें। तो अगर आपका कोई डिजोल्यूशन सॉल्यूट का एंडोथर्मिक है तो वहां पर सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर डिजोल्यूशन एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, यानी कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखिए इसका रीजन मैं बता दूं आपको, यहां पर हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, मैं यहां पे इसको इस तरह से लिख रहा हूं, या अगर समझना चाहें तो यहां पे लिख लें। देखिए यहां पर क्या है, इसको अगर हम इधर मेंशन कर दें, यहां पे इसको लिख दें प्लस डेल्टा एच। डेल्टा एच का मतलब है यहां पर
चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन की एंथैल्पी है उसको इधर ऐड कर रहे हैं तब ये डिसॉल्यूशन रन कर रहा है, सही हो रहा है। तो और जो डिसॉल्यूशन प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम में होता है, डिसॉल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है, ली चैटलियर प्रिंसिपल आपने 11th में पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, तो वहाँ पर आपको ये तीन इफेक्ट बताए गए होंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो वहाँ जब टेम्परेचर का इफेक्ट आपने पढ़ा होगा तो आपको ये बताया गया होगा कि जैसे किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन क्या होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती है, आगे की तरफ होती है। और किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर करते हैं तो क्या होता है, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ देखिए रीज़न मैं बता दूँ आपको कि इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन या रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो हमेशा उस डायरेक्शन में होती है आफ्टर चेंज द टेम्परेचर, जिस साइड में टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये एंथैल्पी है, एनर्जी है, टेम्परेचर है, इधर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, इधर लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ ये रिएक्टेंट साइड है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो ये रिएक्टेंट साइड क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि एज चेंज द टेम्परेचर, यानी कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम, द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड्स द साइड विच हैव या विच एब्जॉर्ब्स या इन विच एब्जॉर्ब एंथैल्पी इज एब्जॉर्ब, ठीक है, यानी कि हीट जिस तरफ एब्जॉर्ब होती है उस तरफ मुड़ जाती है। तो यहाँ क्या होता है, ये जो आपका है देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये आपका एंडोथर्मिक था, तो एंडोथर्मिक में जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती जाएगी, यानी कि यहाँ पर ये जो आपका सॉल्युबिलिटी वाला है, ये सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, यहाँ जो सॉल्युबिलिटी है वो आपकी क्या होती है, टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होती चली जाती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो भी आपकी इंक्रीज होती जाती है। यहाँ पर एक चीज़ को क्लियर कर लीजिए बिल्कुल, देखिए जो डेल्टा एच लिखा है ये यहाँ पर जो प्लस लिखा है इसको हम इधर भी प्लस में ही लिखते हैं, पहले जैसे हमने मेंशन किया था, यहाँ पर जो डेल्टा एच है उसको प्लस साइन के साथ ही मेंशन किया जाता है, और जहाँ पर डेल्टा एच प्लस के साथ मेंशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं, एंडोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, रिएक्शन उस तरफ बढ़ती है जिस तरफ टेम्परेचर का एब्जॉर्प्शन होता है, देखिए यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो यानी कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये दोनों मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाना शुरू कर देंगे, यानी कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, इसका जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपका NaCl है, KCl है, NH4Cl है, KNO3 है, KI है, एंड आपका NaNO3 है, ये सारे आपके साल्ट ऐसे हैं, सॉल्यूट ऐसे हैं जिनका डिसॉल्यूशन एंडोथर्मिक होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये जब एंडोथर्मिक इनका होता है डिसॉल्यूशन, तो ये क्या करते हैं, हमेशा जो है इनका टेम्परेचर बढ़ाने पर डिसॉल्यूशन या फिर सॉल्युबिलिटी इनक्रीज हो जाती है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है जो दूसरा है आपका एक्सोथर्मिक डिसॉल्यूशन, तो इसमें देखते हैं, देखिए डिसॉल्यूशन अगर आपका एक्सोथर्मिक है यानी कि उसमें हीट इवॉल्व हो रही है, बन रही है, बाहर निकल रही है आफ्टर द रिएक्शन, तो उसमें जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्यूट की डिक्रीज हो जाती है, कब, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल रिएक्शन की डायरेक्शन उस तरफ शिफ्ट होती है या इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन उस तरफ शिफ्ट होती है जिस तरफ टेम्परेचर एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एब्जॉर्ब तो नहीं हो रहा, यहाँ पर क्या है, इवॉल्व हो रहा है, इवॉल्व अगर इधर हो रहा है तो उसका मतलब इधर एब्जॉर्ब हो रहा होगा, तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की डायरेक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो सॉल्यूशन से सॉल्यूशंस का डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड सॉल्वेंट क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट होने लगेंगे, डिसॉल्यूशन स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका ये प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ दो ही आपके टेम्परेचर पे कॉन्सेप्ट हैं, एक एक्सोथर्मिक डिसॉल्यूशन
दूसरा आपका है एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन। एक्सोथर्मी के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, लिथियम सल्फेट है, सीरियम सल्फेट है, ये आपके ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन शो करते हैं। अब आइए इसको कॉन्टीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व से समझते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम्स में। देखिए कॉन्टीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आपका वाई एक्सिस है इस पर सॉल्युबिलिटी मेंशन की गई है, और ये आपका क्या है, ये टेम्परेचर है एक्स एक्सिस पर। तो इसमें कुछ हमने साल्ट्स मेंशन किए। देखिए ये जो आपका ग्राफ है ये के आई का है, इसमें टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे इसका क्या है, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ता जा रहा है, ये सॉल्युबिलिटी का ग्राफ है। तो आइए इसमें समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये यहाँ से ऊपर जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, और यहाँ से इस तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो देखिए टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो देखिए किनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जो हमने ब्लू ब्लू से मेंशन किया हुआ है, ठीक है, ब्लू मार्कर से जो चीज़ें हमने मेंशन की हैं उनका इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पर NaCl, KCl का इंक्रीज हो रहा है, KNO3 का बहुत ही शार्पली इंक्रीज हो रहा है, और NH4Cl का भी एकदम स्ट्रेटली इंक्रीज हो रहा है, NaCl का भी इंक्रीज हो रहा है, NaNO3 का भी कर्व बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए सब में लगभग ऐसा है कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कुछ इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि जितने भी ग्राफ अपवर्ड शो हैं या फिर लीनियरली भी अगर शो हैं, कर्वेचर हों या लीनियरली हों, अगर वो ऊपर की तरफ हैं तो उसका मतलब उनका जो डिसोल्यूशन है वो कैसा है, एंडोथर्मिक है। यहाँ पर जितने भी हमने ब्लू से मेंशन किए हैं NaCl, NH4Cl, KCl और आपका है NaNO3, KNO3, KI, ये जितने भी साल्ट हैं सभी का डिसोल्यूशन वाटर में कैसा है, एंडोथर्मिक है। तभी ये क्या है, ये इंक्रीज़ कर रहे हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि ग्राफ दे दिया बनाकर, आपसे पूछ लिया कि किसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज़ होगी और किसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, या ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस या किसका डिसोल्यूशन, किस साल्ट का डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है, किस साल्ट का डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है। तो ये चीज़ आप इस ग्राफ से और ली चैटलियर प्रिंसिपल की हेल्प से आप ये चीज़ पता कर पाएंगे कि इसमें कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। तो उसकी उस बेसिस पर ये इंपॉर्टेंट है कॉन्टीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व, ठीक है। अब देखिए जो रेड मार्क हमने किए हैं ग्राफ, जो रेड से मेंशन किए हैं, वो आपके क्या हैं, ये ऊपर से स्टार्ट हुए हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इनका टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सॉल्युबिलिटी देखिए ना, सॉल्युबिलिटी वाई एक्सिस पर है, ऊपर से चले थे नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, नीचे आ रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये जो दो आपको रेड ग्राफ दिख रहे हैं ये क्या हैं, ये आपके ऐसे साल्ट हैं जिनका डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, तभी वो डिक्रीज हो रहा है सॉल्युबिलिटी। तो ये जो आपका कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और उसको नोट भी कर लीजिएगा। मैंने अभी जो एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आपको बताया है उसको ज़रूर याद रखिएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या फिर बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं जो कि आप बहुत कम किए होते हैं, और होते बहुत इजी हैं बट आपसे छूट जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा और उसको नोट भी कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अभी हमने प्रीवियसली आपको डिस्कस किया है जो, वो था आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। देखिए गैसेस के बारे में अगर हम बात करें तो अभी हम प्रीवियसली आपको डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड के केस में जो आपका प्रेशर है वो इतना मैटर नहीं करता था, बट यहाँ पर गैस के केस में प्रेशर भी मैटर करेगा। तो यहाँ टोटल आपके तीन फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है उसका डेफिनेशन क्या है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड था वो दूसरा था, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस दूसरा है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस आपका वॉल्यूम से रिलेटेड है और वो आपका मास से रिलेटेड था, अमाउंट से। तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से, इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जिसमें डिजॉल्व कर रहे हैं टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी कि देखिए है बिल्कुल सिंपल ही, कहने का मतलब है सिमिलर ही, बिल्कुल जैसे सॉलिड के लिए था, बस यहाँ पर अमाउंट की जगह वॉल्यूम आ गया है, ठीक है, बाकी सब वही है। तो इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ बता दें कि जो सॉल्युबिलिटी है उसको हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को हम मोलैरिटी या फिर मोल फ्रैक्शन से भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, इसकी जो फिजिकल मेजरमेंट है वो मोलैरिटी या फिर मोल फ्रैक्शन से भी हम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपका मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। अब हम देखेंगे कि जो फैक्टर्स हैं जो आपकी स्टेबिलिटी को, सॉरी सॉल्युबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, गैस की सॉल्युबिलिटी है उसको वाटर में अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो आपका फैक्टर है, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, तो बिल्कुल सिंपल है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, अभी हमने प्रीवियसली आपको डिस्कस किया है, बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, जो गैस जितनी ज़्यादा सॉल्यूबल होती है किसी भी सॉल्वेंट में, उसका मतलब ये होता है कि वो गैस आपकी केमिकली उस सॉल्वेंट से रिएक्ट कर रही है। जितना ज़्यादा गैस सॉल्वेंट से केमिकली रिएक्ट करेगी, उतनी ही ज़्यादा वो उसमें डिसॉल्व होती है, यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, द मोस्ट सॉल्युबल गैसेज आर दोज विच केमिकली रिएक्ट विद द लिक्विड सॉल्वेंट, यानी कि वही आपकी गैसेज डिजॉल्व होती हैं जो केमिकली रिएक्ट कर जाती हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में देखें, जैसे आपका ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इथेनॉल में ज़्यादा डिजॉल्व हैं, ज़्यादा सॉल्यूबल, इनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है इथेनॉल में, बट वाटर में नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर में इतनी जल्दी ये रिएक्ट नहीं करती हैं, इथेनॉल से तुरंत रिएक्ट करके उसी में डिजॉल्व हो जाती हैं। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्टिविटी आपका एक कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा टर्म है जो कि इस फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आंसर होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा एग्जांपल है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ लेस सॉल्यूबल इन इथेनॉल। देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है इथेनॉल में? नहीं सॉल्यूबल, यह है तो कम है, वाटर में ज़्यादा सॉल्यूबल है। क्यों? क्योंकि H2S गैस इथेनॉल से कम रिएक्ट करती है बट वाटर से कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाती है, तो इसलिए H2S वाटर में हाईली सॉल्यूबल है बट आपका इथेनॉल में लेस सॉल्यूबल है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स से इनको ध्यान रखिएगा, इनके जो फैक्टर्स हैं, क्योंकि इनसे एक एक नंबर का क्वेश्चन या फिर मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया जाता है आपसे, होता बहुत आसान है बट आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, इस वजह से आप गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट था आपका नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, यानी कि जब आपका गैस सॉल्वेंट से केमिकली रिएक्ट करेगा तभी डिजॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर कम रिएक्ट करेगा तो कम डिजॉल्व होगा, यानी सॉल्युबिलिटी कम होगी, ज़्यादा अगर रिएक्ट कर गया तो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। सेकेंड है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का मतलब है यहाँ पे देखिए, पहले जैसा ही है बिल्कुल, इसमें भी आपका जो डिसॉल्यूशन है उसी से रिलेटेड है। देख लीजिए, यहाँ पे जो आपका गैस का डिसॉल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है? एक्सोथर्मिक का मतलब है उसमें हीट इवॉल्व होती है। तो अभी हमने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है और उस प्रोसेस में आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी की चर्चा हो रही वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज द डिसॉल्यूशन ऑफ गैसेस गैस इन लिक्विड इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब जिसमें हीट इवॉल्व होती है। यहाँ पर देखिए माइनस डेल्टा एच, यानी कि यहाँ पर जो हीट है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या है, निकल रही है बाहर, माइनस डेल्टा एच। तो जब इधर निकल रही तो इधर एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा। अब यहाँ पर जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि रिएक्शन की जो इक्विलिब्रियम है, डायरेक्शन है जो इक्विलिब्रियम की, वो उस तरफ हमेशा शिफ्ट होती है जिस तरफ हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इधर तो निकल रही, इधर एब्जॉर्ब हो रही होगी तो इधर को शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो इफेक्ट है टेम्परेचर का वो क्या होता है, उल्टा होता है, इन्वर्सली रिलेशन होता है। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है कब, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि गैसेस का जो डिसॉल्यूशन लिक्विड में वो एक्सोथर्मिक होता है। तो यहाँ पर इसको मेंशन कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये जो आपका प्रोसेस है ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक है। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ पॉइंट है, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कुछ आपके एक्सेप्शनल गैसेस हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने पर जिनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। मैं आपको बता दूं, देखिए, एक तो आपका हाइड्रोजन है, दूसरा आपका हीलियम है, या इसमें जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं वो लगभग सब होती हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड्स में या वाटर में,
सॉरी नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स में, यहाँ पे नॉन एक्वा सॉल्वेंट भी हमने मेंशन किए हैं, अल्कोहल है, एसीटोन है एंड हाइड्रोकार्बन है। तो जो आपका सॉल्विलिटी है हाइड्रोजन एंड हीलियम का, ये क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, क्योंकि इनकी जो सॉल्विलिटी है या इनका जो डिजोल्यूशन है वो कैसा होता है, आप आइडिया लगा सकते हैं। इसका एक्सोथर्मिक था तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो जाता था, इसका कैसा होना चाहिए, एंडोथर्मिक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है और हीलियम है ये आपकी ऐसी गैसें हैं जिनका डिजोल्यूशन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर के साथ साथ उनकी सॉल्विलिटी भी इनक्रीज हो जाती है। तो देखिए ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कंपैरिजन, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है, और ऐसे एक्सेप्शनल केस आपके एग्जाम्स में या फिर मल्टीपल चॉइस में या फिर कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर पूछ लिए जाते हैं जिनमें आप फंस जाते हैं। तो इस चीज़ ये नोटेबल पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। थर्ड आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉरी इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जो तीसरा आपका इफेक्ट है प्रेशर का इफेक्ट है, ये इफेक्ट करता है सॉल्विलिटी को, कैसे करता है, जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे ही सॉल्विलिटी इंक्रीज हो जाती है। आप सोच लीजिए जैसे कोई आपका कंटेनर है, मान लीजिए कोई कंटेनर है, उसमें आपके आपका जो 1 लीटर गैस है उसमें आपने क्या किया, वाटर ले लिया, उसमें 1 लीटर गैस फिल करके उसको क्लोज कर दिया। अब उसमें क्या है, जो आपका एक्चुअल उसका वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो प्रेशर, जो नॉर्मल प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग उसमें गैस अगर रिएक्ट करेगी भी तो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि वो आपका क्या है, जितना पोर्शन आपका लिक्विड से नहीं भरा हुआ है, इम्पटी है या मतलब वैकेंट है, वहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो इधर उधर वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, लिक्विड में बहुत कम डिसॉल्व होंगे। बट जब आप प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वही जो आपके लिक्विड के ऊपर डिपॉजिट थे गैस के मॉलिक्यूल्स, वो क्या होंगे, कंप्रेस होके लिक्विड में चले जाएंगे, यानी कि वो डिसॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रेशर जैसे ही बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी गैसेस की, इंक्रीज कर जाएगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। क्योंकि प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो ली चैटरियर प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कंसनट्रेशन जिस साइड ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर डायरेक्शन उसी तरफ चली जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका जब प्रेशर आप बढ़ा देंगे तो ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाएगी किसकी, गैस की सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिंपल सी बात है कि प्रेशर जब भी बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी किसकी, गैसेस की। और अगर यहाँ पर सॉलिड के केस में आता है कि वाई सॉलिड्स आर अनअफेक्टेड बाय प्रेशर इन केस ऑफ सॉल्युबिलिटी या डिसॉल्यूशन इन लिक्विड, तो यहाँ पर रीजन यही देंगे, बिकॉज सॉलिड्स आर हाईली रिजिड, ठीक है, दी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, देयर फोर इट इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेशर। ठीक है, इज इट्स सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेशर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, केवल जो आपका गैस है उस पर अफेक्ट करेगा, प्रेशर सॉलिड्स पर नहीं करेगा। तो ये कुछ आपके सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे जो मैंने आज डिस्कस किए हैं। और अभी ये जो आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर है गैस के लिए, ये इसके लिए एक रूल भी है, हेनरी रूल, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको एक वर्कशीट मिलेगी जो कि आज का जो वीडियो है इसी से रिलेटेड है, और क्वेश्चंस उसमें होंगे, तो इसको प्लीज़ बहुत ही केयरफुली वॉच करिएगा। और मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप इसको पूरा वॉच करते हैं बहुत अच्छे से, तो आपको बिल्कुल लगेगा, ये नहीं लगेगा कि आपको कुछ नया नहीं इसमें सीखने को मिला है, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, और बहुत अच्छे से जो वर्कशीट है उसको भी आप कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो सामने का बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट कर दें, ताकि हमारा जो नया वीडियो है उसका अपडेट आपको ज़रूर मिले। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कहीं पर भी, तो कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपकी वर्कशीट है, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो पहले कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने की, देन अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं।